नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स सर्विसेज में। दोस्तों आज है 28 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 27 मई और 28 मई के करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को वर्ल्ड टूना दिवस, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और दोस्तों 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस और 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो इसके पहले करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू द्वारा स्टेट रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021 में किस राज्य में बच्चों की गुमशुदी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने दंत क्रांति शिविर का शुभारंभ किस जिले में किया है दोस्तों, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये है हमारे मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा जी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 24 मई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 3 नवीन पुरस्कारों को संचालित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है, वो 3 पुरस्कार कौन कौन से दोस्तों, तो एक तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार टीम श्रेणी में, एक मध्य प्रदेश गौरव पुरस्कार है और तीसरा है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार श्रेणी में। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार टीम श्रेणी में 10 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, दोस्तों ये ऑप्शन सही है, ठीक है, मध्य प्रदेश गौरव पुरस्कार में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन है हमारा, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार श्रेणी में 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है, और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गांधी जयंती 2 अक्टूबर को दिए जाएंगे, दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो ये पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिए जाएंगे, ये हमारे मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को दिए जाएंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 23 मई 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित दरों पर विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ताओं को कितने रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, तो ये 16,424 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, 16,424 करोड़। दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की दिव्या हांडा ने हरिद्वार में हुए मिस एंड मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में मिसेस इंडिया 2022 और ग्लोइंग स्किन का टाइटल जीता दोस्तों, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किस जिले में किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए इस टाइप से है कुछ पुलिस म्यूजियम, तो यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इसी को लेकर म्यूजियम बनाया गया है, और इस म्यूजियम में स्वतंत्रता संग्राम के समय जो भी हथियार उपयोग किए गए थे वे भी रखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्दी भी रखी गई है, पहले कैसी वर्दी पहनी जाती थी इसकी जानकारी भी लोगों को मिल सके। तो यहाँ पर पुलिस का 100 साल का रिकॉर्ड भी जो उपलब्ध हुआ है उसे संरक्षित करके रखा गया है, और इसमें एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसमें पुलिस से संबंधित दस्तावेज है और कुछ दस्तावेज अंग्रेजों के समय के भी है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भोपाल में इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किस देश की एम्बेसी के सहयोग से किया जा रहा है दोस्तों, तो ये नीदरलैंड देश की एम्बेसी के सहयोग से किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नीदरलैंड। और दोस्तों भारत में नीदरलैंड के राजदूत कौन है, तो ये है मार्टन वैन डेनबर्ग। ये तो याद रखिएगा, भारत में नीदरलैंड के राजदूत कौन है दोस्तों, मार्टन वैन डेनबर्ग। और नीदरलैंड में भारत की राजदूत कौन है, तो ये है रिनत सिंधु। तो इनका नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, ये है रिनत सिंधु, ये नीदरलैंड में भारत की राजदूत है, और ये है मार्टन वैन डेनबर्ग, ये भारत में नीदरलैंड के राजदूत है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 को
कब मंजूरी दी है दोस्तों? तो ये 26 मई 2022 को दी है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 26 मई 2022। तो देखिए दोस्तों, 26 मई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 को अपनी मंजूरी दे दी है। और यह अध्यादेश राज्य में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव को भी निर्धारित करता है। और अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब नगर निगमों एवं बड़े शहरों के महापौर सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे, जबकि नगर परिषदों और नगर पंचायतों यानी छोटे शहरों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित नगर सेवकों द्वारा चुने जाएंगे। गजट अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद यह प्रस्ताव कार्यान्वयन के लिए राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। और दोस्तों, राज्य में कुल 413 शहरी स्थानीय निकाय है, जिनमें 16 नगर निगम है और 99 नगर परिषद और 298 नगर पंचायत शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति दे दी थी, जिससे 23,000 से अधिक ऐसे निकायों में चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ है जो पिछले 2 वर्षों से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की चांदनी रॉय ने चॉकलेट इम्यूनिटी बूस्टर प्रोबायोटिक अर्क चॉकलेट बनाई दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, ये है चांदनी राय, ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में जो जीवाजी विश्वविद्यालय है वहाँ की एमएससी की छात्रा है दोस्तों। और बात करें हम जीवाजी विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और इसके चांसलर कौन है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल है। और वाइस चांसलर कौन है? तो ये अविनाश तिवारी है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय की एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की छात्रा चांदनी रॉय ने चॉकलेट प्रेमियों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर प्रोबायोटिक अर्क चॉकलेट बनाई है। इस चॉकलेट में चांदनी रॉय ने प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया है तथा शक्कर की मात्रा न्यूनतम रखी है। सेहतमंद प्रोबायोटिक चॉकलेट से कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, नारियल तेल तथा प्रोबायोटिक जैसे लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस, लैक्टोबैसिलस कैसी, लैक्टोबैसिलस सिडोफिल्स का इस्तेमाल किया गया है। अन्नी रॉय ने बताया है कि प्रोबायोटिक डार्क चॉकलेट खाने के बहुत फायदे हैं। डार्क चॉकलेट में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर को सामान्य करते हैं और हृदय में क्लॉटिंग के रिस्क को कम करते हैं। चॉकलेट में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड त्वचा से हानिकारक किरणों को रोकने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान कुसुम अ में अब परफॉर्मेंस गारंटी 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट से घटाकर कितने रुपए कर दी गई दोस्तों? तो ये 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 लाख रुपए। तो देखिए दोस्तों, 25 मई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उद्यान अभियान में अब परफॉर्मेंस गारंटी 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट से घटाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। हरदीप सिंह डंग ने यह जानकारी ऊर्जा भवन में कुसुम अ के 71 कृषकों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित करते हुए दी। कार्यक्रम में 6 विकासकों द्वारा मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के मध्य विक्रय क्रय अनुबंध यानी पीपीए का भी आदान प्रदान किया गया। नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बताया है कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में 1,000 ऐसे किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाने का काम प्राथमिकता से शुरू किया जा रहा है जहाँ विद्युत की उपलब्धता नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में 50,000 किसानों के खेत पर सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इससे बिजली डीजल का खर्चा बचने के साथ 8 घंटे बिजली मिलने से किसानों के अन्य कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे। नवीन और नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 2019 से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान कुसुम अ योजना लागू की गई है, जिसके तहत कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए 60% तक अनुदान दिया जाता है। इस योजना को राज्य सरकार के विभागों के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें किसानों को केवल बाकी का 40% ही विभाग को जमा करना होता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रगति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति में मध्य प्रदेश के किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों, देश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 13वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो प्रगति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति में मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट ने देश में 13वां स्थान प्राप्त किया है और मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए दोस्तों, छात्राओं के सरकार की प्रगति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति में बैतूल जिला फिर अव्वल आया है और हमारे मध्य प्रदेश में जिला इस योजना का लाभ लेने वाला पहला जिला बन गया है। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की 52 छात्राओं का चयन इस वर्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की प्रगति योजना के लिए हुआ है और इस योजना के तहत छात्राओं को 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष मिलेगी।
इस योजना का लाभ लेने में बैतूल इस वर्ष भी इसमें अव्वल है और विगत वर्ष भी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल प्रगति योजना में प्रदेश में प्रथम था। छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य युवा लड़कियों को ज्ञान कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना है ताकि वे विकास क्रियाओं में योगदान दे सके और इस योजना के तहत कुल 4000 छात्राओं को 30,000 रुपए तक ट्यूशन शुल्क प्रतिपूर्ति और अन्य लाभों के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला बैटरी स्वैपिंग स्टेशन किस जिले में खुलेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में खुलेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। तो देखिए तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच इंदौर में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी शुरू हो गए हैं और वहां स्मार्ट कार्ड से एटीएम की तरह वाहन चालकों को खाली बैटरी के बदले फुल चार्ज बैटरी मिलेगी। हमारे मध्य प्रदेश के ये पहले बैटरी स्वैपिंग स्टेशन शुक्रवार से इंदौर में दो जगह ऊषा नगर और इसीपुरा में शुरू हुए हैं। मुंबई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी वोल्टअप ने इसकी शुरुआत की है। बैटरी स्वैपिंग की सुविधा फिलहाल व्यावसायिक वाहनों के लिए शुरू की गई है। इसमें दुपहिया वाहनों को भी स्वैपिंग की सुविधा मिल सकेगी और स्टेशनों पर पंजीकृत वाहनों को तय शुल्क के बदले नई बैटरी दी जा रही है, साथ ही एक स्मार्ट कार्ड भी दिया जाएगा और वाहन चालक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एटीएम की तरह अपना कार्ड स्कैन करेगा तो फुल चार्ज बैटरी वाला बॉक्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, हमारे मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? तो कौन सी नदी में नहीं बहती है दोस्तों उत्तर की ओर? बेनगंगा नहीं बहती है। बेनगंगा नदी किस ओर बहती है दोस्तों? तो ये दक्षिण की ओर बहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी आप देख सकते हो उत्तर की ओर बह रही है, बेतवा नदी भी उत्तर की ओर बह रही है और सोन नदी भी दोस्तों उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी और बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और के नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो ताप्ती है, एक नर्मदा है और एक माही नदी है, ठीक है। ये और दोस्तों माही नदी दो बार कर्क रेखा को काटती है। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर रविंद्र कोईसेट्टार, डॉक्टर नारायण व्यास, प्रोफेसर गिरिराज कुमार या प्रोफेसर वी एस सोनमने? दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।